जय महादेव। महाशिवरात्रि आ रही है 8 मार्च 2024 को फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों और नक्षत्रों की संरचना इस प्रकार से होती है कि उनकी मदद से हमारे शरीर की जो भी ऊर्जाएं होती है वो एक बैलेंस्ड रूप में आती है और ऊर्जा हमारे दिमाग की ओर चलती है, ऐसा हमारा अध्यात्म का ज्ञान कहता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शारदा हॉस्पिटल एंड कैंडोरा इंडिया सेंटर सूरत से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। क्या महाशिवरात्रि के दिन उपवास का वाकई में महत्व है? क्या हमें उपवास करना चाहिए और अगर हमें प्रेगनेंसी है तो क्या हम कर सकते हैं? अगर हम किसी भी प्रकार की किसी सारवार को ले रहे हैं, चाहे वो कुदरती तौर से बच्चा रुकने की हो, IUI की हो, IVF की हो, या फिर दवाइयाँ ले रहे हो बीज बनने की, हम उपवास कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपके इन सब प्रश्नों का जवाब दूँ। सबसे पहले समझते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो इतना हाई लेवल पे होता है कि महाशिवरात्रि को किए जाने वाले जागरण का बॉडी में बहुत महत्व है। अगर आप पूरी महाशिवरात्रि की रात को जागरण करके नाम जप करते हैं तो ये माना जाता है अध्यात्म के दृष्टिकोण से कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी की रचना होती है और वो एनर्जी पॉजिटिवली आपको और आपके बेबी को इम्पैक्ट करती है। पर भूखा रहना ये किसी भी प्रेग्नेंट स्त्री के लिए एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप निजी तौर पे ये निर्णय लेते हैं कि आप महाशिवरात्रि का उपवास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करने का तरीका अलग होगा। आपको फलाहार लेना है, फल खाना है। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा आलू की सब्जी, साबुदाने की खिचड़ी का सेवन किया हो। फलाहार में बिनने वाली तली गली चीजों को अवॉइड करके आप संपूर्ण रूप से फल पे आए और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। एक दिन के अंदर आपको उपवास करने से बच्चे को ड्रास्टिक नुकसान नहीं होता है, पर ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हाइड्रेटेड है और आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम नहीं हो रहा है। अगर आप प्लानिंग फेज में हो और आप प्लान कर रहे हो, चाहे वो तरीका कोई भी हो, कुदरती हो, IUI हो या IVF, भूखा रहना प्लानिंग फेज के लिए भी एडवाइजेबल नहीं होता है, पर आपको यूजुअली जैसा मैंने बताया फलाहार एंड पानी के साथ हाइड्रेटेड रह के आप शिवरात्रि जरूर से एंजॉय कर सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व किसी रिलीजियस फेस्टिवल का नहीं है, पर अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का है। तो आई विश यू ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि। जय महादेव।